चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास एट का साइंस चैप्टर का, साइंस का जो है चैप्टर नंबर टू का नेक्स्ट टॉपिक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है। और आज हम लोग है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए, पिछले वीडियो हमने देखा था कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो हमारे लिए क्या थे, यूजफुल थे, कुछ ऐसे थे जो हमारे लिए क्या थे, हार्मफुल थे। तो यहाँ पर जो है पिछले वीडियो हमने देखा था बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया क्या होता है और उससे किस कितने प्रकार के डिजीज होते हैं, कौन कौन से डिजीज हमें होते हैं, ठीक ना। आज हम देखेंगे वायरस, एल्गी और फंगी के बारे में कि ये सारे ऑर्गेनाइज्म जो है किस तरह जो है हमारे लाइफ में जो है कैसा जो है रोल प्ले करते हैं, ठीक। तो देखते हैं सबसे पहले वायरस है। वायरस जो होता है, वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस हमारे वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो केवल इनसाइड द सेल होस्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारा एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग भी हो गया, उन सब के इनसाइड द सेल आपके वो होते हैं, डेवलप करते हैं, सिर्फ इनसाइड द सेल डेवलप करते हैं। अगर वो सेल से बाहर जाने हमें, अगर हमारा ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार के वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब जाते हैं तभी वो डेवलप करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। वो बैक्टीरिया की तरह ना तो रेस्पायर करते हैं, ना बैक्टीरिया की तरह मूव करते हैं, और जो बहुत से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो शो नहीं करते हैं। जैसे वो रेस्पायर नहीं करते हैं, फीड नहीं करते हैं, ग्रो नहीं करते हैं, वो खुद से वो रेस्पायर नहीं करते हैं, खुद से वो मूव नहीं कर सकते हैं। वो जब तक जो है नॉन लिविंग थिंग्स पर रहेंगे तो उसमें किसी प्रकार कोई डेवलपमेंट नहीं होता है वायरस के अंदर, और वो जब लिविंग थिंग्स के इनसाइड जाते हैं तभी जो है उनका रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है, तभी वो जो है ग्रोथ करना, बढ़ना जो है, डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए जो वायरस होता है एक प्रकार का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है रिप्रोड्यूस नहीं होते, मतलब डेवलप नहीं होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के ऊपर कहीं भी रहेंगे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर हमारे शरीर के अंदर अगर चले जाएंगे तो उनका क्या है, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे वायरस जो है कह रहे हैं इनसाइड द सेल, सेल के अंदर उसका डेवलपमेंट होता है, और वायरस जो हमारा कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल, यहाँ लिखा भी है कि वायरस जो है प्रोड्यूस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ इनसाइड द सेल के, जब अंदर रहते हैं तभी होता है, सेल के जब बाहर आते हैं तो उसमें किसी प्रकार कोई इफेक्ट नहीं होता, वो जैसा रहता है वो एक तरह से नॉन लिविंग थिंग्स की तरह ही बिहेव करते हैं अगर बाहर रहते हैं, ठीक। कुछ माइक्रो और कुछ जो है वायरस के चलते हमें कितने प्रकार के डिजीज होते हैं, उस डिजीज में कुछ डिजीज का नाम है, ये सब HIV हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, एड्स हो गया, ये सारे भी बीमारी है हमारे वायरस के चलते ही होता है। नेक्स्ट आपका आता है एल्गी। एल्गी इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म। एल्गी हमारा जो होता है सिंपल प्लांट्स की तरह का जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लार्ज ग्रुप ऑफ द सिंपल का है, प्लांट्स तो प्लांट्स की तरह ही होते हैं, बट प्लांट्स की तरह उसके अंदर क्या है कि रूट सिस्टम और लिप्स नहीं होते हैं, छोटे 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 जो है लिप्स कह लीजिए उसको, बट प्लांट्स की तरह रूट और स्ट्रीम उसको नहीं होता है, प्लांट्स की तरह होता है बट उसके जैसे रूट और स्ट्रीम उसका नहीं, तो वाटर के ऊपर जो है ऐसे फैले रहते हैं, ठीक। और इसके पास भी क्लोरोफिल होता है, और एल्गी भी अपना भोजन क्या होता है, क्योंकि क्लोरोफिल होने के चलते वो प्रोड्यूस करते हैं फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस के सहारे ही अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं उसी तरह एल्गी भी अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड बनाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है क्या बनाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ यहाँ पर एल्गी के नाम दिया गया है, जैसे क्लामाइडोमोनास जो है, स्पायरो गया जो है, ये आपके जो है एल्गी है, ये सिंगल सेल एल्गी होता है, ये मल्टीपुल सेल एल्गी होता है। एल्गी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल सेल एल्गी और होता है मल्टी सेलुलर होता है, और एक होता है सिंगल सेल एल्गी होता है। तो सिंगल सेल एल्गी में मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे रखा है, क्लामाइडोमोनस जो होता है आपका सिंगल सेल एल्गी होता है, स्पायरो गैरा जो होता है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और एक हमारा जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी जो नाइट्रोजन गैस को फिक्स करता है, ये हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल भी कह सकते हैं। ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को क्या करता है, फिक्स करता है, तो मेरा एल्गी हो गया, ठीक। बात हम करते हैं फंगी की, तो जब फंगी की बात करते हैं तो फंगी आर द लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव
क्लोरोफिल फंगी के पास जो होता है एक लार्ज ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, कई लार्ज ग्रुप जब मिल जाते हैं तो फंगी का फॉर्मेशन करते हैं, और इनके पास चूंकि क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन नहीं बनाते हैं। तो ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, जो प्लांट्स के जो डेड प्लांट्स यानी जो पेड़ पौधे की जब लकड़ियाँ गिर जाती है सड़ जाते हैं तो उस पर जो देखते हैं कि फंगी जो है हमारा रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, जिससे सिंपल जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है आपका मशरूम है, ठीक ना। मशरूम क्या करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो डेड प्लांट्स होते हैं और उसके जो स्टेम स्टोन टूट के गिर जाते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है फंगी डेवलप कर जाते हैं और उसी से जो है अपना भोजन क्या करते हैं, यानी डेड प्लांट्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। तो चूंकि उसके पास क्लोरोफिल ना होने के चलते अपना भोजन खुद नहीं बनाते, एग्जाम्पल आपका मशरूम हो गया। और यहाँ पर कुछ ऐसे जो है डिजीज भी होता है, जो हमारे मशरूम से जो डिजीज होता है कि हमें बीमारियां मशरूम से कौन होती है, यहाँ दो प्रकार का डिजीज मैंने मेंशन किया है, तो है रिंग वार्म एक होता है, एथलीट्स फुट और रिंग वार्म जो दो बीमारी होता है जो हमें फंगी के चलते होता है। तो ये टॉपिक आपका क्लास 8 का था, इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे।